नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ना अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया है सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख करके। मेरी शादी की मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी को ज़रूर दे देना अनिल जी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक पहुँच जाए। हाय शांभवी दी, मैंने अपनी एंगेजमेंट टूटने के बाद सेम पर्सन से ही अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर लिया है और एंगेजमेंट दोबारा किए बिना ही मेरी शादी भी आराम से मैनिफेस्ट हो गई। मुझे ये मैनिफेस्टेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने ग्रैटिट्यूड के अंदर लिखा और ग्रैटिट्यूड के अंदर लिख करके मैंने इस चीज़ को पूरी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ में भर दिया और फील किया कि मेरी उन्हीं से शादी हो रही है और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये करके मैंने छोड़ दिया। हम दोनों की ही मिसअंडरस्टैंडिंग और फैमिलीज़ की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हम दोनों के एंगेजमेंट टूट गई थी। शादी से करीब 1 महीने पहले ही ये सब कुछ हुआ था, इसलिए फैमिली भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इसी वजह से मुझे अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने में 2 साल लग गए। आज समझ में आता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार और पॉजिटिव होकर के ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जादू प्रैक्टिस के अंदर ग्रैटिट्यूड में लिखा और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा मैंने बहुत बार ये करके देख लिया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान के हाथ में दे देते हैं, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो इससे भी कुछ अच्छा होगा। ये सोच करके अब मैं आगे की तरफ मूव ऑन करने लगी। मुझे लगा कि मैं अगर उनको पसंद करती हूँ और उनके साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फैमिलीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आज मैं अपनी फैमिली को कष्ट क्यों पहुँचाऊँ, उनको दुख क्यों दूँ। ये सोच करके मैंने जिस दिन अपनी मम्मी से कहा मुझे 2 साल लग गए ये बोलने के लिए कि दूसरा लड़का आप देखना शुरू कर दो, और मैजिक उसी दिन हुआ। मैंने जिस दिन अपनी मम्मी से कहा उसी दिन मेरी मम्मी के पास में मेरे पार्टनर की मम्मी का कॉल आ गया और इन दोनों ने बात करी शादी की और कहा कि अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में और सोसाइटी में तमाशा हो चुका है, इसलिए अब जो भी हो जैसे भी हो सिंपल सी एक शादी करके इन दोनों का घर बसा देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी के बिना नहीं रह पाएगा और आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है और हम इसी फैमिली में शादी करना चाहते हैं। मेरी मम्मी ने जब मैं शाम को घर आई ऑफिस से तभी सारी बात बताई। मैंने कहा आप मुझे फ़ोन करके बता देती, बोली मैं तो खुद ही इतनी ज़्यादा शॉक में हूँ कि ये सचमुच में हुआ है, वही लोग, वही रिश्ता, वही लड़का और उसकी मम्मी जिनसे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी वो सामने से आए हैं। मैंने ही ग्रैटिट्यूड में लिखा था। मैं उसी समय अंदर गई, मैंने मुंह हाथ धोया और फटाफट से अपने पुराने ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालने लगी। उसमें से एक जर्नल तो मुझे पहले वाला मिला और उसके बाद मुझे अपना जादू प्रैक्टिस वाला मिला जिसमें मैंने ये लिखा था, मैंने सचमुच में ये लिखा था कि उनके फैमिली में से गार्डियंस का कॉल आ रहा है और वो वापस से इस रिश्ते को करना चाह रहे हैं और उनके फैमिली वाले हमारे साथ इस रिश्ते को जोड़ने में बहुत खुश हैं और मेरी फैमिली ये सुनकर के हैरान है। एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही हुआ है जैसा मैंने अपने ग्रैटिट्यूड में लिखा था। थैंक यू सो मच, आपको मैं क्या बताऊं कि ये कैसे हुआ और ये कितना मैजिकल है, हैरान कर देने वाली बात है, सचमुच में हैरान कर देने वाली बात है। मेरा ऐसे ही मैनिफेस्ट हुआ है, मैंने जो लिखा था वो सेम टू सेम ही मुझे मिल गया है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आप श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, मैं भी मथुरा में ही रहती हूँ और मेरी फैमिली भी कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। थैंक यू सो मच, ओह थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखा, पहली बार लिखा, रिजल्ट चेक कर रहे होंगे ऑब्वियसली, अब जब पेन में होते हैं और तब आप करते हैं तो रिजल्ट आते नहीं है। फिर दूसरी बार ही लिखा, रिजल्ट चेक कर रहे होंगे, नहीं आया। फिर थर्ड टाइम लिखा, फिर कहा छोड़ो। 2 साल के बाद अपनी फैमिली को, सोचो जरा,
जिसका एक एंगेजमेंट टूट गई हो, फैमिली को रोकना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, या फैमिली का उस समय पर रुक जाना थोड़ी बड़ी बात हो जाती है कि यार कब तक रुकेंगे ना, एज जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक टाइम पर एज इज़ अ नंबर, बट है ना यार, परिवार भी तो है हमारे साथ, माता पिता हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटी है, प्रेशर है, बहुत कुछ है अगर देखा जाए तो। अब वहाँ पर 2 साल बाद ये बोलते हैं अपनी फैमिली में, मम्मी को जा करके, कि देख लो आप लोग लड़का। आई एम श्योर कि इस 2 साल के बीच में फैमिली वालों ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की होगी, या कुछ तो भी हुआ होगा, पर 2 साल बाद इन्होंने यस किया। जिस दिन यस किया, उसी दिन मम्मी के पास में कॉल आता है इनके पार्टनर की मम्मी का, और अपने आप डन हो जाता है। ये मैजिक नहीं है तो क्या है, बताओ? जो लिखा था एज इट इज वही हुआ है। और उनकी मम्मी सही में हैरान थी, जो इन्होंने ग्रैटिट्यूड में लिखा था, दिस इज कॉल्ड रियल क्लियर कट मैनिफेस्टेशन। अपना में रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।